कैसे कैसे रंग लिए हैं, खुशियाँ अपने संग लिए हैं, जुगनू फूल सितारे कलियाँ, तोते चिड़िया तितली परियां पूछे लाश की मानी, तितली ढूंढे आज कहानी। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम, सबको अपना दोस्त बनाए, खेले कूदे नाचे गाए, इन चीजों का मतलब क्या है, देखे सोचे और पा जाए। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम, रात में चमके जुगनू बनके फैले हर सू खुशबू बनके, रास्ता रास्ता साथ चले हम कमजोरों का बाजू बनके। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम। आसमान में क्या ढूंढ रही हो भाई? अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर जी, मैं आसमान में रंग ढूंढ रही हूँ। कौसे कज़ा ढूंढ रही हो? अच्छा, इन रंगों को कौसे कज़ा कहते हैं? वो रही, मिल गई। कितने सारे रंग हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। वैसे मास्टर जी, कौसे कज़ा कैसे बनती है? रानी, ये पानी के कतरों से बनती है। मगर इन कतरों में रंग कैसे आते हैं? मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, होता यूं है कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के बाद हवा में तब भी थोड़ी सी नमी रहती है। वो नमी दरअसल क्या होती है? वो भी छोटे छोटे पानी के कतरे ही होते हैं, जो कि नजर नहीं आते वैसे। उस वक्त अगर सूरज निकल आए और सूरज की सफेद किरणें जो हैं उन छोटे छोटे बारीक पानी के कतरों को छुएं, तो वो छोटे छोटे पानी के बारीक कतरे जो उनको बांट देते हैं सात मुख्तलिफ रंगों में, जिसको हम कौसे कज़ा कहते हैं। मसलन लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, उदा और जामनी। और ये होती है कौसे कज़ा। तो जब बारिश होती है, क्या कौसे कज़ा तभी नजर आती है? और कई बार आप शहरों के करीब भी, क्योंकि वहां भी पानी के हवा के अंदर उड़ रहा होता है, छोटे छोटे कतरे होते हैं और नमी होती है, वहां भी कई बार नजर आती है। मास्टर जी, मुझे तो कौसे कज़ा बहुत अच्छी लगती है। सारों को ही अच्छी। आज का लफ्ज। ये क्या? हाँ एल्मो, मैं जहाज बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्या बन गया। मुझे जहाज नहीं बनाना आता। तो कोई बात नहीं, हम इमोजी से सीखेंगे। हाँ एल्मो, ज़ेब। जहाज बना रहे हैं। जहाज बना रहे? हाँ। किस लिए? खेलने के लिए। तो चलो जहाज बनाओ, हम खेलते हैं फिर। पर हमें तो नहीं आता जहाज बनाना। तुम्हें नहीं आता? आप हमें सिखाएंगे? हाँ, तुम ये जहाज बना रहे थे। अच्छा, इसको पहले आधा फोल्ड करो। हाँ। इसको आधा यूं तय करो, ये बहुत अच्छे। अब इसको इधर ला, इधर ला, इधर ला। अब इसको ऊपर से यूं एक कोदर इस तरह फोल्ड, ये। हाँ। अच्छा, अब इसी तरह दूसरे को फोल्ड करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये। हाँ। अब इसको इस तरह वापस लाओ, ये। हाँ। बहुत अच्छे, ये देखो। अब क्या करना है फिर? अब फिर बीच में इसको तय करो। हाँ,
अच्छा ये एल्मो को भी देखने दो, ये देखो एल्मो। अब इधर से छोटी सी इस त्रिकोण को ऊपर तय कर दो, ये इसके पर बनाओ अब यहाँ से, बहुत अच्छे। अब इसको थोड़ा सा तय करो, ये तो बन गया। अब हाँ, अगले को भी ये देखो। इमोजी ये तो जहाज बन गया। बिल्कुल, अब हम सब बैठ के इस पे सैर करेंगे। और एमो ने भी सीख लिया। चलो तुम बैठ सकते हो इस पे। और आज का लफ्ज है सीखना। सीखना क्या है, जानना है, चीजों को पहचानना है। सीखना क्या है, जानना है, चीजों को पहचानना है। सीखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। सीखना एक आदत है, जानना एक जरूरत है। सीखना क्या है, जानना है, चीजों को पहचानना है। सीखना यहाँ क्या हो रहा है? क्या बात है हसीन, आज आप अपने बुलबुले नहीं उड़ा रहे। हाँ, और कोई गाने भी नहीं गा रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं आज कुछ और ही करूँ। अच्छा, कोई शरारत करने का इरादा है? जी चाहता है मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे बहुत मजा आए। तो आप कोई किताब क्यों नहीं पढ़ लेते? लेकिन किताब पढ़ने से क्या होगा? हसीन, किताब पढ़ने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। किताब पढ़ने से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, पढ़ने से हम नई नई बातें भी जान सकते हैं। और अगर आपको पौधे लगाने का शौक है तो किताबों से आपको फूल, पौधे और सब्जियों की मालूमात भी मिल जाती है। यहाँ और कौन कौन सी किताबें होती हैं? यहाँ साइंस की किताबें हैं, कहानियों की किताबें हैं, यहाँ फूल पौधों की किताबें हैं, और यहाँ वो किताबें हैं जिनसे आप अपना घर खूबसूरत बना सकते हैं। वाह, मुझे तो यही किताब चाहिए। ये ले। ओहो, मुन्ने आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मास्टर जी, मैं वो किताब निकालना चाह रहा हूँ। कौन सी किताब? वो देखे ऊपर नंबर वाली। आ, ये वाली किताब? हाँ। ये लो। शुक्रिया मास्टर जी। अरे आपने कितने आराम से निकाली ये किताब, और मुझसे क्यों नहीं निकाली गई? इसलिए कि मैं लंबा हूँ और आप छोटे। हाँ, आप लंबे और मैं छोटा। अच्छा, आपको इस कमरे में और भी कोई चीज नजर आ रही है जो कि लंबी हो और दूसरी छोटी हो? जी, ये देखें, ये मग छोटा है और फिर ये मग लंबा है। बिल्कुल, ये मग लंबा है और ये मग छोटा है। कोई और चीज? और चीज वो देखिए, वो बोतल लंबी
और वो बोतल छोटी। बिल्कुल, ये बोतल लंबी और ये बोतल छोटी। हाँ, छोटा मैं, लंबे आप, छोटा मग, लंबा मग, छोटी बोतल, लंबी बोतल। बिल्कुल। आप भी अपने इर्द गिर्द लंबी और छोटी चीजें ढूंढिए। मैं हूँ लंबा और मैं छोटा, मुझे देखो भाई। वाह, हम दोनों इकट्ठा ठक ठक कर रहे हैं। मैं हूँ लंबा, मुझे देखो भाई, और मैं छोटा। वाह, ठक ठक, हम दोनों इकट्ठा ठक ठक कर रहे हैं। हम दोनों निकल। क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपना घर ढूंढ रहा हूँ। घर ढूंढ रहे हो? घर क्यों ढूंढ रहे हो? मेरा घर मुझे मिल नहीं रहा। तुम घूम गए हो? मैं घर जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। ढूंढने से तुम्हारा घर मिल जाएगा। हाँ, मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? डब्बू, डाल से डब्बू। अच्छा, ये बताओ, जब तुम घर से निकले थे तो रास्ते में क्या क्या देखा? मैंने बहुत से बच्चे देखे थे। तुमने स्कूल देखा है? स्कूल? हाँ। अच्छा, और स्कूल से पहले क्या देखा? स्कूल से पहले मैंने एक जगह देखी जहाँ लोग खाना खा रहे थे, वहाँ बहुत सी सब्जियाँ भी थी। वो बाजी का ढाबा है। अच्छा ठीक है, अब बताओ ढाबे से पहले क्या देखा? उससे पहले मैंने गाय और भैंसी देखी थी। यानी कि तुम बाड़े से भी गुजरे हो। बाड़? हाँ। अब पहले क्या आएगा? पहले स्कूल आएगा, फिर ढाबा आएगा, फिर बाड़ा आएगा, फिर घर आ जाएगा। हाँ, अब तुम अपना घर ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसी तरह बस गिनते जाओ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये तो स्कूल आ गया। डब्बू बेटा कहाँ चले गए थे? वो मैं गुम गया था। कितनी मर्तबा कहा है, घर से दूर मत जाया करो, और जब भी कहीं जाओ रास्ता याद रखो। हाँ, अब तो मैं जरूर याद रखूंगा। शाबाश, तो आओ अब चलो घर चलें। नहीं, पहले आप मेरे साथ चलें। कहाँ बेटा? मैंने खाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी है। कौन सी जगह? बाजी का ढाबा। मेरा नाम बिलावल सांगरू है। मैं मोहनजोदड़ो सिंध का रहने वाला हूँ। मैं जो हूँ, मैं पाँचवीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये मोहनजोदड़ो जो है वो दरियाए सिंध के किनारे पे था, इसलिए हम इसे सिंध की सकाफत कहते हैं। जब भी छुट्टी होती है मैं यहाँ पे आता हूँ। ये भी एक तालाब है जहाँ पे
जो राजा की रानी थी वो नहाया करती थी। ये जो है ये बादशाह का शाही तख्त है, यहाँ पे जो है बादशाह बैठा करता था और अपने लोगों के जो मसाइले वो हल किया करता था। यहाँ पे लोग इबादत भी किया करते थे। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए मिलता है। मौसम का चैनल हवाले आई आपके घर में, और अब मौसमी खातून और चार मौसम। मैं हूँ मौसम खातून और मेरा कुत्ता टॉमी। हमें हर मौसम पसंद है, सारे मौसम, चारों मौसम हमें पसंद है। हाँ चारों। हसीन हसीन तुम आ गई। हसीन ये देखें, हम वो सारी चीजें लाए हैं जो सफाई के दौरान किरण और मेरे कमरे से निकली हैं। हाँ, क्योंकि आपने कहा था वो बेकार चीजें नहीं फेंकनी, इसलिए वो सब हम यहाँ ले आए। अच्छा दिखाओ। ऐसा करो, ये चीजें तुम नीचे रख दो और इस बोतल को यहीं रहने दो। ठीक है। वो किताब जो तुमने मुझे दी थी ना, घर को खूबसूरत बनाने की तरकीबों वाली, मैंने उससे बहुत सी चीजें बनाना सीखी हैं। मसलन बेकार चीजों को फिर से किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, खाली बोतलें, पुराने रिसाले और अखबार और खाली डब्बे, इनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ये जो बेकार इस्तेमाल की हुई बोतलें जो तुम अपने साथ लाई हो, इसको हम खूबसूरत फूल सजाने का गुलदान बना सकते हैं। वो कैसे? मैंने किरण की दी हुई किताब से सीखा है, अब मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है। ये देखो, मैंने इस बेकार बोतल को ऊपर से काट दिया है। किरण, तुम ये जो दूसरी बोतल है ना बड़ी, इसको साइड पे कर दो। ठीक है। और इस बोतल को देखो, पुराने रसाले को काट कर मैंने इस तरह फूल बनाए हैं। किरण, इन कागज के फूलों को इस बोतल हमने एक बेकार चीज को इतना खूबसूरत बना दिया। और हाँ, अब आप खुद भी इन बेकार चीजों से हसीनो जमील गुलदान बना सकते हैं। मैं अपनी सारी दोस्तों को कहूंगी कि कोई भी बेकार चीज को फेंकने से पहले सोचें कि वो उस बेकार चीज से क्या कुछ बना सकते हैं। शुक्रिया हसीन। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज़े हसीन था। आसमां को ये रंग सारे मिल के खूब सजाते हैं, बारिश और सूरज मिलजुल के क्या क्या रंग बनाते हैं। रंगों की इस दुनिया में
खुशियों की खेत बनाई, आसमां को ये रंग सारे मिलके खूब सजाते हैं। बारिश और सूरज मिलजुल के क्या क्या रंग बनाते हैं। तस्वीरें रंग हमें सिखलाते हैं, रंगों की तरह मिलके एक रंग में ढलते जाएं। आसमां को ये रंग सारे मिलके खूब सजाते हैं। बारिश और सूरज मिलजुल के